चैनल अगेन एंड शूज लाइव। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, घर पे होंगे। और ये हो रहा है सुबह का टाइम और मैं चाय बनाने के लिए बर्तन निकाल रही हूँ, लेकिन आरव उठ गया है। जैसा कि आपने देखा, मैं नाश्ता ऑलमोस्ट बन ही चुका है, बट आरव सो के उठ गया तो उसे गोद में उठा के ले आई हूँ मैं किचन में अपने साथ में। और मैं बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि नाश्ता जल्दी कर लेंगे क्योंकि मेरी ब्यूटिशियन आ जाएगी जल्दी। मैंने मॉर्निंग का टाइम दिया है उसे आने के लिए, तो अभी बना लेती हूँ चाय और थोड़े काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि एक डेढ़ घंटा तो लग ही जाएगा उसमें काम करने में। आ रहा हूँ, हाँ कहीं बैठेगा, घर ही बैठेगा ज़्यादा देर। तो मैं आरव को देके आ गई हूँ उसके पापा के पास, क्योंकि अभी उनके ऑफिस का काम स्टार्ट नहीं हुआ। जब स्टार्ट होगा तब मैं ले लूँगी। तो सुबह के टाइम हमारे यहाँ ऐसे ही बहुत जल्दीबाजी हर चीज़ में रहती है, क्योंकि अमित को ऑफिस का काम स्टार्ट हो जाता है 9:30 से, उनके बैक टू बैक कॉल स्टार्ट हो जाती हैं, तो उससे पहले ही ब्रेकफास्ट करके निपटना होता है, नहीं तो फिर ऐसे ही रह जाता है ब्रेकफास्ट हमारा, मतलब अच्छे से नहीं हो पाता। मैं तो स्पेशली नहीं कर पाती हूँ, आरव को संभालना पड़ता है। किचन में काम करते हुए कभी कभी मैं उसे जैसे अभी बैठाया था स्लैब पे बैठा लेती हूँ, वो बैठ जाता है शांति से, लेकिन जब मूड नहीं होता तो वो बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहता है, गोद में ही रहना चाहता है। चलिए मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बना के फिर आप लोगों से मिलती हूँ, और शायद तब तक मेरी ब्यूटीशियन भी आ जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन अंशुज लाइव। और पीछे बन रही है चाय और ये बन रहा है नाश्ता। और आज मैंने बुलाया है अर्बन क्लैब से, आ रहा हूँ वॉशरूम में है उसकी आवाज़ आ रही है। आज मैंने बुलाया है अर्बन क्लैब से वैक्सिंग के लिए, और मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ रोल ऑन वैक्सिंग। इससे पहले मैंने ट्राई किया है सिर्फ रीका वैक्सिंग, मतलब ट्राई वैक्सीन मैं जनरली रीका ही यूज़ करती हूँ, बट इस टाइम मैंने सोचा क्यों ना रोल ऑन ट्राई किया जाए, क्योंकि कोविड टाइम भी है और उसमें मेंशन रहता है कि आपका जो ब्यूटिशियन है उसके साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रहता है। ऑल दो वो सारा सेफ्टी सिक्योरिटी नॉर्म्स फॉलो करते हैं अर्बन क्लैब वाले, बट स्टिल मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर कर दूंगी और एक बार ट्राई भी हो जाएगा कि ये कराना कितना अच्छा है, बेटर देन रीका एंड हनी वैक्स। तो चलिए जब मेरी ब्यूटिशियन आएगी तभी मैं आप लोगों से मिलूंगी और रिव्यू शेयर करूंगी। बाय द टाइम हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने सुबह सुबह ही उसे बुलाया है, मैंने उसे 10:30 का टाइम दिया है। लेट्स सी कितने बजे आती है, कॉल तो आ गया था, तो मैं आपसे तभी मिलती हूँ, तब तक हम करते हैं ब्रेकफास्ट। बाय द टाइम हमारा ब्रेकफास्ट रेडी भी है ऑलमोस्ट, चाय बन गई है, मुझे बस निकालना रह गया है। सो आते ही पहले इन्होंने अपना बैग सैनिटाइज़ किया है पूरा, और ये जो भी चीज़ें हैं जो यूज़ होंगी अभी उन सब पे भी ये सैनिटाइज़र स्प्रे कर रहे हैं।
और साथ ही इन्होंने शील्ड भी लगा रखी है, मास्क पहना हुआ है, एप्रन पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, लाइक एवरीथिंग इज़ देयर। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का पूरा ख्याल है इनको। तो अब स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये वाला पोर्शन यूज एंड थ्रू है, बट ये रीका का ही है, बट एप्लीकेशन में ये थोड़ा डिस्टेंस रहता है। ठीक है, थैंक यू। तो आपने देखा, मैंने इनसे कंफर्म कर लिया है कि ये जो एप्लीकेटर है ये न्यू है लगाया, और ये यूज़ एंड थ्रो है, यूज़ करने के बाद इसे थ्रो कर दिया जाएगा। मैंने इनसे कुछ क्वेश्चंस किए थे, बट टीवी चल रही थी उसकी आवाज़ ज़्यादा आई है, इसलिए मैं इस तरह आप लोगों को ये बता रही हूँ। जैसे कि नॉर्मल वैक्स हॉट करते हैं, वैसे ये भी मशीन में लगा के हॉट करते हैं, बट ये इतना हॉट नहीं है कि आपको फील हो या वार्म फील हो। पहले इसको ऐसे चला के देख लेते हैं ताकि वैक्स निकलने लगे। मुझे स्किन पे बिल्कुल भी हीट पता नहीं चल रही है, नॉर्मल है बिल्कुल, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है, मतलब थोड़ा भी गर्म मुझे फ़ील नहीं हो रहा है, तो ये अप्लाई करने में थोड़ा सा प्रेशर दे के अप्लाई करते हैं, तो मुझे ऊपर की स्किन में इतना कुछ पता नहीं चल रहा है। बट जब ये इनर स्किन में मेरी जो सॉफ्ट वाला पोर्शन है स्किन का, हाथ का, वहाँ अप्लाई करेंगे ना, तो थोड़ा सा मुझे स्ट्रेचिंग फील होगा, क्योंकि ये थोड़ा सॉफ्ट एरिया है। और इन्होंने मुझे बताया कि जब से ये कोविड टाइम आया है, लोग रोल ऑन वैक्सीन के लिए ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं। अदरवाइज़ उससे पहले ये रोल ऑन वैक्सीन था, लेकिन लोग इतना इसको चूज़ नहीं करते थे। अभी कोविड टाइम है, इसलिए लोग इसे ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं। डिस्टेंस की बात करें तो इनका देखिए जो एप्लीकेटर है ये थोड़ा बड़ा सा है, और ये काफ़ी दूर रह के ही मेरे हैंड्स पे ऐसे स्प्रेड कर रही हैं, और तो इसकी वजह से क्या है, डिस्टेंस काफ़ी बना हुआ है, नहीं तो स्पैचुला से थोड़ा झुक के वो देख के हेयर का ग्रोथ किधर है, किधर रह गया है, तब लगाते हैं, नहीं तो। और उसकी वजह से ये थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन था, जो कि मेंशन किया हुआ था ऐप में। जनरली ये आपको चेंज करने के लिए एक ड्रेस देते हैं जो इनकी खुद की होती है, बट अभी ड्यूरिंग कोविड टाइम है, तो मैंने इनसे पूछा, इन्होंने बोला कि अभी ड्यूरिंग कोविड टाइम हम चेंज करने के लिए नहीं देते हैं, आपको अपना खुद का मतलब कपड़ों में ही करानी पड़ेगी वैक्सीन। सो जाओ, सो जाओ। आरव अभी सो रहा था बगल में जब मैंने स्टार्ट किया ये करना, बट थोड़ी देर में उठ गया, और उठने के बाद से ही वो बगल में मेरे शांति से बैठा हुआ है और चीज़ें देख रहा है होते हुए। और मेरे व्लॉग्स हों उसमें आरव और मिताशी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि माय चैनल इज़ ऑल अबाउट माय लाइफ, और मेरे लाइफ में मेरे बच्चे ही सब कुछ हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे बच्चे मेरे व्लॉग्स में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरे एक वीडियो पे कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे, आपका टाइटल क्या है लेकिन दिखा आप अपने बच्चों को ही रही हैं, तो कोई भी व्लॉग होगा उसमें मेरे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे ही, ये मैं पहले ही क्लियर कर देती हूं। आंटी को दे दो, दे दो। और आप लोग कहेंगे दोनों बच्चों को साथ में क्यों बैठा रखा है, आप बाहर भेज सकते थे, तो मैं पहले ही बता दूं, घर पे सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और ये दोनों बच्चे हैं, तो बाहर मैं किसी और के पास नहीं भेज सकती उन्हें, और इनके पापा का ऑफिस का काम स्टार्ट हो गया है, इसलिए ये दोनों मेरे पास ही बैठे हुए हैं। तो मेरा काम ऑलमोस्ट डन हो गया है, और ब्यूटिशियन जा चुकी है, मैं फाइनल रिव्यू आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। सो हेयर आई एम डन विद माई सलून थिंग, मैं आपके साथ अपना पर्सनल रिव्यू शेयर करती हूँ रोल ऑन वैक्सिंग का। तो रोल ऑन वैक्सिंग में क्या है कि इट इज़
ऑलमोस्ट लाइक अ रीका वैक्सिंग, क्योंकि मैंने रोल ऑन रीका वैक्सिंग का लिया था, क्योंकि रोल ऑन में आपका आप चॉकलेट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो, आप वाइट चॉकलेट के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो, आप रीका रोल ऑन भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो मैंने रीका रोल ऑन ऑप्ट किया था। उसमें का जो एप्लीकेटर होता है वो आपके ऊपर एक ही बार यूज़ होगा, फिर उसके बाद वो किसी और के ऊपर यूज़ नहीं होता है, वो यूज़ एंड थ्रो होता है। जैसे नॉर्मल जो वैक्स करते हैं उसमें स्पैचुला जो यूज़ करते हैं वो सैनिटाइज है कि नहीं, फिर जिसमें आपका वो रहता है वैक्स रहता है उस डब्बे को भी सैनिटाइज किया है कि नहीं, फिर वैक्स में तो ऊपर से सैनिटाइजर नहीं मार सकते हैं तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो उस लिहाज से आपका रीका वैक्सिंग इज़ बेटर इस ड्यूरिंग कोविड टाइम में। अदरवाइज पर्सनली मुझे नॉर्मल जो रीका वैक्सिंग होता है वही पसंद है, रोल ऑन वैक्सिंग मुझे उतना पसंद नहीं आया, क्योंकि जब उसे अप्लाई करते हैं तो वो भी डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए भी, ब्यूटिशियन के लिए भी अप्लाई करना, क्योंकि मैं फील कर पा रही थी क्योंकि वो ऐसे स्ट्रेच करके ऐसे रोल करना पड़ता है। तो जब वो स्ट्रेच कर रहे थे तो मुझे ये सॉफ्ट जो मेरा पोर्शन है स्किन का ये वाला, इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही थी, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग फील हो रहा था, अदरवाइज़ तो ठीक ही था रोल ऑन। और उसको भी वो नॉर्मल स्ट्रिप से ही निकालते हैं, मुझे लगता था शायद रोल ऑन से ही वैक्स के साथ ही हेयर्स भी रिमूव हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, उसके साथ हेयर रिमूव नहीं होगा, उनको स्ट्रिप यूज़ करना ही होगा। आवाज़ थोड़ी थोड़ी अगर आ रही होगी तो पीछे बच्चे लेटे हैं। लेकिन बाकी अगर सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें तो ब्यूटिशियन ने पूरा आते ही अपना सारा सामान सैनिटाइज़ किया, मेरे सामने ही किया, प्लस जो जो चीज़ें मुझ पर यूज़ हुई उसे भी उन्होंने सैनिटाइज़ किया, जो आपने वीडियो में देखा ही होगा आगे। और क्या कहते हैं उनको, उसने शील्ड भी लगा रखी थी प्रॉपर थ्रू आउट सर्विस, जो कि बहुत अनकंफर्टेबल था उनके लिए, मैं देख सकती थी उनको स्वेट हो रहा था, जबकि यहाँ पे तो बैंगलोर में थोड़ी थोड़ी ठंडी है ही, ऐसा नहीं है फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी मैंने उनको बोला कि आप फ़ैन ऑन कर लो, क्योंकि शील्ड भी लगाया, मास्क भी लगाया, फिर एप्रिन भी पहने उनके खुद के क्लोथ्स, तो गर्मी लग रही थी उनको, स्वेटिंग हो रही थी। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस ड्यूरिंग कोविड टाइम में जितना हम डरे हुए हैं चीज़ों से, उतना सामने वाला बंदा भी डरा हुआ है, पहली तो कोविड, दूसरी चीज उनकी जॉब। तो कोई भी अपनी जॉब स्टेक पे नहीं रखेगा, कोई भी अपनी हेल्थ स्टेक पे रख के कोई काम नहीं करेगा। तो अर्बन क्लैब की आप ये सर्विस ऑफकोर्स ले सकते हैं ड्यूरिंग कोविड टाइम, बट अगर कोविड नहीं होता तो मैं शायद रोल ऑन वैक्सिंग इतना रिकमेंड नहीं करती, और नॉर्मल वैक्सिंग जो आपकी आती है हनी वाली आप यूज़ करते हैं वो, या फिर रीका इज़ बेस्ट, मैं तो रीका ही कराती हूँ तो मैं वही बोलती, बट कोविड टाइम में रोल ऑन के लिए आप जा सकते हैं। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय।